Hey, what's up guys? मेरा नाम है शुभम, स्वागत है सभी। दो मिनट चुप रहो, अभी सब चुप हो जाओ प्लीज। भाग गया, इस गली के कोने पे जाओ, सारी गाड़ियों को रोक दे, लेट जा गली के कोने पे जा, कैसे लेट जा ऐसे लाश बन के, और तू इस साइड ना आने देना ना जाने देना, इतनी आवाज आती है। Hey, what's up guys? चुप। मेरा नाम शुभम, स्वागत है सभी वीडियो के अंदर। काफी टाइम हो गया है मुझे, 20 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी और आज 24 चार दिन से मैं एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ था, वो है गूगल असिस्टेंट 2.0 सभी फ़ोनों के लिए। ना मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था कि ये करो वो करो, ये कोड डालो, टर्मिनल यूज़ करो वो करो, मुझे ये नहीं करना था। तो मैंने सोचा कोई तो कोई शॉर्टकट मिल जाए ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मिला है लेकिन थोड़ा शॉर्टकट तो मिला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप बहुत ही जल्दी क्विकली, थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर Google Assistant 2.0 इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इनेबल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं चैनल पर डेली वीडियोस डालता हूँ। राइट, आपको प्यारी है लेकिन फिर भी मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टेप वन है, आपको अपने जो फोन के अंदर गूगल एप्लीकेशन है उसको अप टू डेट रखना है। अगर वो अपडेट नहीं किया हुआ है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर टू है, अपने फोन की जो सिस्टम सेटिंग है उसके अंदर जाके जो अपनी सिस्टम लैंग्वेज है उसको आपको इंग्लिश US करना है, या इंग्लिश UK भी कर सकते हो लेकिन इंग्लिश US कर देना। उसके बाद जो आपका करंट गूगल असिस्टेंट है उसके अंदर भी जाके आपको सेटिंग के अंदर उसकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको इंग्लिश US करनी है, इंग्लिश इंडिया मत करना अदरवाइज वो नहीं चलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री है, आपको अपने फोन के अंदर मैजिस्क है, अगर आपके फोन रूटेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा ऑब्वियसली। अगर आपको नहीं पता मैजिस्क कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ये रहा आई बटन, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही क्विकली विद इन एक मिनट के अंदर अंदर आप अपने फोन के अंदर मैजिस्क इंस्टॉल कर सकते हो। मैजिस्क के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको प्लस बटन पर टैप करना है, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी फाइलें दी हुई, जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको डाउनलोड कर देनी है अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको इसके अंदर आप प्लस बटन पर जाने के बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको ये फाइल दिखेगी, इसको आपको टैप कर देना है और सिंपली ये फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद फोन को रीबूट कर देना है। ये जो मैजिस की फाइल है ये क्या करेगी, अपने फोन को एक फेक पिक्सल 4 बना देगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है, और अबाउट में जाने के बाद आप यहाँ पे जब आप मॉडल चेक करोगे तो आपका पिक्सल 4 XL लिखा आएगा, उसका मतलब ये कि ये जो फाइल है वो अच्छे तरह से फ्लैश हो चुकी है। उसके बाद अपने गूगल एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पे ऐप इन्फो के अंदर जाना है, और यहाँ पे ऐप इन्फो के अंदर डेटा। अरे रुक जाओ एक सेकंड, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐप इन्फो के अंदर डाटा के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे जब स्वाइप करेंगे यहाँ पे तो आपकी अगर 40 MB की फाइल होगी एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आती है तो डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट 2.0 का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन, लेकिन अभी तक हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको आपको सिंपली डाउनलोड फोल्डर में जाकर इंस्टॉल कर देना है, और आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अपने फोन को रीबूट कर देना है। फोन रीबूट हो जाने के बाद अपने फोन के अंदर एक सॉलिड एक्सप्लोरर करके ऐप को इंस्टॉल करना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बस ऐप को ओपन करने के बाद आपको XML फाइल होगी वो भी आपको डाउनलोड करनी है, वो आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको रूट डायरेक्टरी खोलनी है यहाँ पे जाके, उसके बाद आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा फोल्डर खोलना है, उसके अंदर वापस से डेटा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा com.google.android क्विक सर्च का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको shared_pref करके एक फोल्डर मिलेगा, उसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सेम XML फाइल दिखेगी जो आपने वहाँ पे कॉपी की है। इस XML फाइल को डिलीट कर देना है, और आपने जो XML फाइल कॉपी करी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको बैक करना है और वापस शेयर्ड फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपको शेयर्ड फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाके दोनों W को आपको अनचेक कर देना है, वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी 551 करनी है हमें, तो अनचेक करने पे 551 हो जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, उसके बाद फोन को रीबूट कर देना है। ट्रस्ट मी, ये वाला फाइनल रीबूट है, इसके बाद रीबूट नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी। और उसके बाद रीबूट करने के बाद फाइनली आप देख सकते हो आपका गूगल असिस्टेंट 2.0 काफी अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है, और आप देख सकते हो इसको इजीली आप यूज कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स इट। देखा सबने कितना कमाल का तरीका है, ये काफी आसान तरीके से आप गूगल असिस्टेंट 2.0 इनेबल कर सकते हैं और काफी कूल लगता है। लेकिन अगर मेरी बात है, अगर आपको ये सब नहीं भी करना है तो आप नहीं करें, क्योंकि गूगल असिस्टेंट 2.0 या गूगल असिस्टेंट 1.0 हो, दोनों ही जो सर्च रिजल्ट है, जो आप कोई भी उसको आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो उसके जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमिलर आएंगे, बिल्कुल सेम ही आएंगे। तो ये जो 2.0 है, तो ये जो गूगल असिस्टेंट 2.0 है, सिर्फ आपको एनिमेशन अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो आप इंस्टॉल करो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा इतना आप करने की जरूरत नहीं है। इतना है आज की वीडियो में, अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल्सो ये है Xiaomi Mi Band, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्सो ये है Mi Band 4 मुझे पता नहीं तेरे से पूछ रहा हूँ, ऑल्सो Mi Band 4 है, इसका भी रिव्यू आने वाला है, अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी, देखते हैं कैसा चलता है। ये 2,000-2,500 रुपये का है, तो अगर ये वर्थ है नहीं, मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा, इसका रिव्यू आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारी वीडियोज आने वाली है चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, पीस आउट, लव यू।